टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को जानेंगे और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की होगी। दरअसल यूपी चुनाव परिणाम के बाद प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी चुनाव के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गई है। बांदा जिला प्रशासन ने प्रदर्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। 7 नामजद सहित 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बांदा पुलिस ने 7 नामजद सहित 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बांदा पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ प्रशासन जो है वो अब सख्त होती दिख रही है। नामजद लोग हैं, 7 नामजद, उन सभी की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन जो है वो कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें कि 7 नामों में जो 7 नामजद हैं उन लोगों में सपा के नेता शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दूं इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासन की सख्ती दिखी और प्रशासन कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने की बातें चल रही थी, तो अब दूसरी तरफ एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने के साथ ही प्रदेश में पुलिस की कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपील किया था, जैसे ही बनारस में ईवीएम मिले थे मतगणना से पहले, उसके बाद से अखिलेश यादव ने अपील की थी और उस अपील के बाद बांदा में भी कार्यकर्ता जो थे वो एक्टिव हो गए थे और काउंसलिंग स्थल के बाहर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की गाड़ी जो थी वो सख्त हो गई थी और प्रशासन की गाड़ियों को वो जाँच कर रहे थे। चेकिंग के दौरान हंगामा भी देखने को मिला, तो सपा के कार्यकर्ताओं ने ईंट पत्थर भी बरसाए। इस घटना के दौरान कोतवाली प्रभारी और एक चौकी इंचार्ज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं पुलिस ने लाठी भी बाजी थी। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई। तो चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी फैयाज बांदा से जुड़े हुए हैं। फैयाज, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है उन लोगों के खिलाफ जो कल तक यानी कि खास करके 9 मार्च की रात को प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं सपा के जो कार्यकर्ता उसमें सबसे अधिक थे। क्या लगता है सख्ती कितनी बढ़ेगी प्रशासन की? फैयाज, पहले मंडी के गेट के पास सफाइयों ने जमकर काटा था हंगामा, जिसमें प्रशासन के समझाने पर भी वो नहीं माने और उन्होंने पथराव चालू कर दिया। इसके दौरान एक चौकी इंचार्ज और एक कोतवाली प्रभारी को गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी दौरान डीएम और एसपी वगैरह की गाड़ियां चेक करने लगी, जिससे लोग झोंक पे उन लोगों ने काफी हंगामा किया था। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से फयाज जो बातें सामने आई है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, तो क्या लगता है क्या जिस तरीके के हंगामे हुए थे उस दिन और इसमें गंभीर आरोप जो लगे हैं, कहा यह जा रहा है कि जो मामला दर्ज हुआ है वो गंभीर मुकदमे उन पर सभी पर दर्ज किए गए हैं, तो क्या लगता है कि कितनी परेशानी बढ़ने वाली है खास करके सपा कार्यकर्ताओं की, या इस प्रदर्शन के दौरान कोई अन्य लोग भी थे, क्योंकि 50 लोग जो हैं वो इसमें शामिल है इसे और 7 नामजद हैं, तो कितनी परेशानी बढ़ने वाली है? उनको तो परेशानी बढ़ने वाली है। 7 नामजद हैं और 50 लोग के खिलाफ गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो अब कार्रवाई की जा रही है और आगे देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें होती है। फैयाज, हमारे साथ आप बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें दिखी है प्रदर्शन के दौरान, कुछ पुलिस वाले भी इसमें घायल हो गए थे और उस घटना के बाद अब प्रशासन की सख्ती दिखी है और यूपी चुनाव के परिणाम के बाद एक बार फिर से प्रशासन सख्ती की। देखिए ये वो तस्वीरें हैं किस तरीके से यहाँ पर घायल हो गए थे कई पुलिसकर्मी जो थे, घायल हो गए थे। ये रात की वो तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है जहां पर 9 मार्च की रात की तस्वीर है। कई जो अधिकारी थे जो खुद ड्यूटी के दौरान जा रहे थे, उस घटना के दौरान जो तस्वीरें दिखी थी जब अधिकारी वहां से गुजर रहे थे, तब वहां पर सपा के जो कार्यकर्ता थे वो एक एक अधिकारियों को रोककर गाड़ी चेक कर रहे थे। ईवीएम मशीन की निगरानी को लेकर के कुछ ज्यादा ही अभद्रता की जा रही थी और एडीएम साहब मतगणना के इंतजाम के संदर्भ में अंदर जा रहे थे, तो उनकी भी गाड़ी रोक करके तलाशी लेने की कोशिश की गई। नियमानुसार आरओ, एआरओ, एडीएम और अधिकारियों की गाड़ियों की तलाशी का कोई नियम कहीं नहीं है, वो निगरानी कर सकते हैं कि कोई ईवीएम का जो वो
उनके एजेंट अंदर हैं। इस पर उनके द्वारा जो की गई, जिसमें पुलिस द्वारा उनको समझाया जा रहा था, तभी उनके द्वारा एक निरीक्षक के सिर पर पत्थर और कुर्सी चला।